बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ विंडोज़ 10 की कुछ टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगा। लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, डिस्प्ले ओरिएंटेशन चेंज करना। डिस्प्ले ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए आपको शॉर्टकट की है Alt, Control एंड वन ऑफ द एरो की, ये मैं प्रेस करने लगा हूँ। रिपीट करूंगा, लेकिन अब मैं फिजिकल कीबोर्ड से कर सकता हूँ। इधर से भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा काम मुश्किल है मेरे लिए। Alt, कंट्रोल और अब अपर एरो की यूज़ करूँगा। टिप नंबर 2, क्लासिक व्यू ऑफ स्टार्ट मेन्यू। क्लिक करते हैं आप तो आपको ऐसा नज़र आता है, अच्छा नहीं लगा तो राइट क्लिक कर दीजिए, क्लासिक व्यू नज़र आएगा आपको। टिप नंबर 3, विंडोज़ टाइमलाइन शो करना। विंडोज़ टाइमलाइन से आपके काम करने की हिस्ट्री नज़र आती है। इसको करने के लिए आप विंडोज़ की के साथ टैब प्रेस कर दीजिए। डाउन जाएं, आपको अपना सारा काम नज़र आ जाएगा विद डेट, ये पूरे महीने का काम आपको नज़र आएगा। टिप नंबर 4, इमोजी कीबोर्ड शो करना। अगर आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ नहीं करते तो विंडोज़ की के साथ सेमी कॉलन प्रेस कर दीजिए, ये आपको इमोजीज नज़र आ गए। टिप नंबर 5, स्निप एंड स्केच। मैं एक विंडोज़ ओपन करता हूं और उस विंडोज़ से मैं कोई चीज़ स्निप करना चाहता हूं, तो कौन सी शॉर्टकट की है विंडोज़ की, प्लस शिफ्ट प्लस एस। कीबोर्ड पे गया, विंडोज़ की शिफ्ट कैपिटल एस सिंपल वर्ड्स। अब मैं कोई भी जगह इसकी पकड़ के सिलेक्ट कर देता हूं, स्निप हो गया। अब इसके ऊपर मैं कोई स्केच बनाता हूँ। पेन पकड़िए, कलर चूज़ कीजिए और उसके बाद लिखना शुरू कर दीजिए। साइन भी कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है कर सकते हैं। स्पेशली आजकल आपको ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मिसाल के तौर पे किसी जगह पे आपने साइन करना हो किसी डॉक्यूमेंट में, तो उसको स्नैप कर दीजिए पूरे के पूरे को फुल स्क्रीन के साथ, और उसके बाद साइन वाली जगह पे साइन करके दोबारा इसको अपलोड किया जा सकता है। टिप नंबर 6, डायनेमिक लॉक। दोस्तों, कभी कभी आप काम करते हैं, आप अपना कंप्यूटर लॉक करना भूल जाते हैं। याद रखिए, आप Alt, Control, Delete के साथ डेस्कटॉप को लॉक कर सकते हैं, या फिर विंडोज़ की के साथ जब आप L प्रेस करेंगे तो लॉक हो सकता है। विंडोज़ की और उसके साथ L, लेकिन ये बात तब की है जब जाते हुए मुझे ये याद रहा कि मैंने अपने कंप्यूटर को लॉक करना है। फर्ज़ किया मुझे भूल जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर लॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अपने मोबाइल फ़ोन पर ब्लूटूथ ऑन कीजिए, अपने कंप्यूटर पर ब्लूटूथ ऑन कीजिए, डिवाइसेस पे जाइए और ऐड कर दीजिए अपना मोबाइल फ़ोन। जब मोबाइल फ़ोन नज़र आए उसे क्लिक कीजिए और फिर कनेक्ट कर दीजिए। ये आपको मोबाइल पे कोड नज़र आएगा और पेयर वाली ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए मोबाइल पे, उसके बाद कनेक्ट कर दीजिए, ये मोबाइल आपका कनेक्ट हो गया। टिप नंबर 2, स्टार्ट मेन्यू पे जाएं और यहाँ पे डायनेमिक लॉक को सर्च करें। डायनेमिक लॉक पे जाने के बाद साइन इन ऑप्शन पे जाएं, डाउन की तरफ स्क्रॉल करें और डायनेमिक लॉक को देखें। विंडोज़ कैन यूज़ डिवाइसेस दैट आर पेयर्ड टू योर पीसी टू नो व्हेन यू आर अवे एंड लॉक योर पीसी। सिंपली क्लिक कर दीजिए, उसके बाद इन्फॉर्म भी कर दीजिए कि जिन डिवाइसेस को आपने इनेबल किया है वो कनेक्ट भी हैं कि नहीं। ओके, ये कनेक्टेड है, ये आपका इनेबल हो गया डायनेमिक लॉक। जो ही आप अपने ऑफिस से निकलेंगे, अपने कंप्यूटर से दूर होंगे, आपकी डिवाइस ब्लूटूथ रेंज ख़त्म होने के बाद फौरन आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगी। टिप नंबर 7, क्लाउड क्लिपबोर्ड। दोस्तों, क्लिपबोर्ड को हम चीज़ें कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसे यूज़ करते हैं फिजिकल कंप्यूटर पे। ऐसा भी मुमकिन है कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कॉपी पेस्ट करें क्लाउड के थ्रू। ऐसे आप विंडोज़ पे जाइए और उसके बाद क्लाउड क्लिपबोर्ड को देखें, इसे इनेबल करें, इनेबल सिंकिंग ऑन है। और उसके बाद जब आपने किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है तो विंडोज़ की के साथ वी प्रेस कर दीजिए, ये आपको जो चीज़ें आपने कॉपी पेस्ट की हैं क्लिपबोर्ड में वो आपको नज़र आएंगी। दूसरे कंप्यूटर पे भी आप कॉपी पेस्ट कर। टिप नंबर 8, रैनसमवेयर प्रोटेक्शन। दोस्तों, रैनसमवेयर वो वायरस है जो आपके कंप्यूटर पे अगर आ जाए तो तमाम फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है और पैसों की डिमांड करता है। अगर आपने पैसे पे ना किए तो आप अपनी फाइलें वापस ले नहीं सकते। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने इस मसले का हल बिल्ट इन कर दिया। ऐसे डिफेंडर पे जाइए, उसके बाद वायरस एंड थ्रेट्स प्रोटेक्शन पे जाइए, रैनसमवेयर प्रोटेक्शन को मैनेज
रैनसमवेयर प्रोटेक्शन, इसको ऑन कर दीजिए। अब आपके फाइल्स किसी भी अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन से चेंज नहीं हो सकती। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी फाइल्स कभी कभी ओपन नहीं होंगी या वो मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे आप। उसका सोल्यूशन ये है कि अलाउड एप्लीकेशन पे जाकर उन एप्लीकेशन को अलाउ कर दीजिए। टिप नंबर 9, विंडोज़ को शेक करके मिनिमाइज करना। बहुत सी विंडोज़ मैंने ओपन की, विंडोज़ भी ओपन की, किसी एक विंडो को पकड़ता हूँ, देखें सारी ओपन हैं, करता हूँ सारी मिनिमाइज होगी। टिप नंबर 10, व्हाट्सएप को आपके कंप्यूटर पे एक्सेस करना। app.whatsapp पे जाइए, अपने मोबाइल पे जाइए, व्हाट्सएप ओपन कीजिए, सेटिंग पे जाइए और व्हाट्सएप वेब एप्लीकेशन पे जाइए। वहाँ पे व्हाट्सएप वेब एप्लीकेशन को क्लिक कीजिए, आ जाए इसको स्कैन कर दीजिए। आपका मोबाइल आपके डेस्कटॉप के साथ कनेक्टेड है, आसानी के साथ लिंक्स वगैरह को आप एक्सेस कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।